हेलो एवरीवन, आज मैंने ये पेन बनाया है मोबाइल फ़ोन के लिए। ये हर किसी टच फ़ोन पे काम कर सकता है। इसके लिए मैंने लिया है पेन जिसका आगे वाला पार्ट ओपन होता हो, कॉटन गोल्डन वायर। आपके पास गोल्डन वायर नहीं है तो आप कोई सी भी वायर ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी कॉटन ली है, इसको इस तरह से खींचते हुए इसका पतला सा पॉइंट बनाना है जो मेरा फ्रंट पेन में से बाहर आएगा, जो आगे वाला पार्ट है पेन का, बिल्कुल पॉइंटेड बनाना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अब इसे हल्का सा गीला करना है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। अब वायर लेनी है जो पेन से थोड़ी सी बड़ी होगी, इस तरह से। अभी जो कॉटन हमने तैयार करी थी इसके ऊपर मैंने गोल्डन वायर को फोल्ड करके लगा दिया है ताकि गोल्डन वायर और कॉटन एक साथ अटैच हो सके, इस तरह से। अब सबसे पहले मैं इसमें फ्रंट पार्ट डालूंगी और इसमें से मैं कॉटन को बाहर निकालूंगी। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए कॉटन को हमें इस पॉइंट में से बाहर निकालना है। देखिए, निकल गया है बाहर कॉटन का पार्ट। अब जैसे नॉर्मल पेन बंद होता है, मैंने इसको ऐसे ही बंद कर दिया है, इस तरह से। अब जो ये गोल्डन वायर है मैं इसी पेन के ऊपर फोल्ड कर दूंगी। और कॉटन का थोड़ा सा पार्ट कट करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये पार्ट वायर के ऊपर रहेगा कॉटन का। देखिए, इस तरह से मेरा फोन टच फोन पे काम कर रहा है पेन। अब मैं राइटिंग भी करूंगी। देखिए, आराम से ये वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए, अब मैंने इरेज भी कर दिया आराम से। ऐसे ही मैंने एक एप्पल ड्रॉ किया है। इस पेन को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। जो मैंने गोल्डन वायर लगाई है, आपकी फिंगर सबसे पहले इस पे टच होनी चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। और दूसरा मेन पॉइंट, जब भी आप इस पेन से काम करें, आपकी कॉटन हल्की सी गीली होनी चाहिए। अपनी फिंगर पे थोड़ा सा पानी लेके उस कॉटन को टच करना है बस, तो आपका पेन अच्छे से वर्क करेगा। देखिए, बातों ही बातों में मेरा पूरा एप्पल रेडी हो गया। आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।